देखिए युद्ध के 11वें दिन जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे अब ये लग रहा है कि यूक्रेन के पैर उखड़ रहे हैं। रूस की शक्ति के आगे यूक्रेन का सैन्य संघर्ष दम तोड़ रहा है। खेरसन शहर पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुका है, लेकिन वहीं पर आम जनता रूसी सेना का जमकर विरोध करती नजर आ रही है। कभी यूक्रेन के दक्षिण में धमाके, कभी हो रहे हैं हवाई हमले, कभी जमीन से रूसी सेना कर रही है वार। तस्वीरें हैं खेरसान की, जहां रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना के कैंप पर कब्जा कर लिया है। ये तस्वीरें रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी की हैं, जिसमें खेरसान में यूक्रेनी सेना साजो सामान छोड़कर भाग खड़ी हुई है। पीछे छोड़े गए सामान में बख्तरबंद गाड़ियां और गोला बारूद शामिल है, जिस पर अब रूसी सेना का कब्जा है। खेरसन के मेयर ने दावा किया कि अब रूसी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए सशस्त्र बल खेरसन में मौजूद नहीं है। हालांकि खेरसन में जगह जगह रूसी सेना को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। खेरसन की सेंट्रल स्ट्रीट पर निकला लोगों का ये समूह रूसी सेना का विरोध कर रहा है। इन तस्वीरों में भी यूक्रेन का झंडा रूसी सैनिकों के सामने लहराया जा रहा है, जो दिखा रहा है कि कब्जे के बाद भी हालात आसान नहीं रहने वाले। खेरसन में लोगों का जज्बा ऐसा है कि एक शख्स तो यूक्रेनी झंडे के साथ रूसी सेना के टैंक पर चढ़ गया। खेरसन यूक्रेन के दक्षिण में है, जो काले सागर के बेहद नजदीक है। यहाँ की आबादी करीब 3 लाख। दक्षिण में रूस ने क्रीमिया और काले सागर के रास्ते एंट्री की है। कुछ ऐसा ही हाल मारियुपोल का है, जहाँ रूस बमबारी कर यूक्रेनी सेना का मनोबल तोड़ रहा है। मारियुपोल उन जगहों में शामिल था जहाँ रूस और यूक्रेन ने सीज फायर किया था, लेकिन ये युद्ध विराम चल नहीं पाया। रूस ने दावा किया कि सेफ पैसेज से यूक्रेन ने एक भी नागरिक को निकलने नहीं दिया और इस मौके पर अपनी सेना को मजबूत किया। По просьбе украинской стороны в районе городов Мариуполя и Волновахи вводился режим тишины с полной остановкой боевых действий для обеспечения эвакуации мирного населения. По объявленным коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель. यही वजह है, शहरों में युद्ध विराम खत्म कर फिर से गोलाबारी शुरू कर दी गई। वहीं दक्षिण में माइकोलाविव में भी रूसी सेनाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।